हायर कंपनी ने जो इस साल नया मॉडल लॉन्च किया है सोलर हाइब्रिड एसी के नाम से, जो कि 100% सोलर प्लेट्स पे वर्किंग करता है। आज आपको हम इस वीडियो में सोलर हाइब्रिड एसी की वर्किंग को चेक करवाएंगे। ये इस वक्त इंडोर जो कि इंस्टॉल हो चुका है कस्टमर के प्रीमिसेस में। आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये 16 इसका टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है और ये अपने ग्रिल टेम्परेचर मिनिमम के साथ चल रहा है और इसने कूलिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि 100% हमारी सोलर प्लेट्स के ऊपर चल रहा है। और इसके आगे जो आपको ग्रीन कलर का साइन नज़र आ रहा है, ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये एसी इस वक्त 100% सोलर प्लेट्स के ऊपर वर्किंग कर रहा है। सोलर हाइब्रिड के नाम से एसी कंपनी ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है और ये इस वक्त अपनी 100% वर्किंग सोलर प्लेट पर मुकम्मल कर रहा है। जी ये देखें, ये हम आउटडोर पर अब आ गए हैं। ये इस वक्त हमारे जो रीडिंग दे रहा है एम्पेयर की, वो 2.8 या 9 है। ठीक है, ये हमारा एसी है आउटडोर सोलर हाइब्रिड का और ये इसके आपको हमने आपको रीडिंग एम्पेयर की शो करवा दी है। और ये इसका जो फ़ैन, ये देखें ये वर्किंग पोजीशन में है, ये फ़ैन इसका रोटेट कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह हम ये सोलर के जो कनेक्शन किए हुए हैं, यहाँ से ये सोलर की वायर जा रही है। ठीक है, जो कि वो सामने पैनल पड़े हुए हैं, अब हम पैनल की तरफ जाएंगे और आपको वहाँ से इसकी चेक करवाते हैं। और ये इसके हम आपको वोल्ट भी चेक करवा देते हैं, ये 158 वोल्ट शो हो रहे हैं हमारे। और ये आगे हम पैनल की तरफ आ गए हैं, ये पैनल को इंस्टॉल किया हुआ है। ये इसकी प्लेट्स जो हैं वो प्रॉपरली रैक के ऊपर फिट हैं। ठीक है, इसी तरह दो प्लेट्स इधर आ गई और उसके बाद दूसरा पैनल जो इंस्टॉल किया है वो इस साइड पे कर दिया है। ठीक है, तो ये मुकम्मल सेटअप हमारा, ये दो प्लेटों का ये और दो ये इसके बाद पड़ी हुई हैं। तो सनलाइट जो है वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि दरमियान में हमने ये जो इसका डिस्टेंस है इसको कवर करवा दी है, ये तकरीबन 3 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस है, ये इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, इसका शेड उसके ऊपर नहीं आएगा। और इस तरह ये हमारा मुकम्मल पैनल जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये आका कूलिंग सेंटर खानेवाल जो हमारी एएससी अथराइज, उन्होंने ये पैनल इंस्टॉल करवाया है और हमारा यूनिट जो कि है वो बिल्कुल ओके प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है और इसका रिज़ल्ट 100% ओके है।